महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर अजीत पवार का कब्जा। महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें, मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में आज मनोरा विधायक निवास का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो सके। एबीपी माझा के अनुसार राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को कहा। इससे पहले नार्वेकर ने खुद ही कुर्सी पर लगा मुख्यमंत्री लिखा स्टिकर भी हटा दिया था। नार्वेकर की इस हरकत के बाद कई लोगों की भौहें चढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद राज्य में समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा दावा लगातार अजीत पवार के समर्थकों और राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अजीत पवार के रुख का कई तर्कों से विरोध किया जा रहा है। अब सीएम की कुर्सी पर बैठकर इन चर्चाओं को फिर से हवा मिल गई है। घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नार्वेकर ने प्रतिक्रिया दी है। नार्वेकर ने कहा, इस शुभ दिन पर बेकार की चर्चा शुरू न करें, मुख्यमंत्री निजी समस्याओं के कारण नहीं आ सके। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मंच पर चंद्रकांत पाटिल, नीलम गोरे, रविंद्र चौहान, राहुल नार्वेकर, देवेंद्र फडणवीस बैठे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मंच पर आए। उनकी सीट चंद्रकांत पाटिल और गोरे के बीच रखी गई थी। अजीत पवार उस कुर्सी पर बैठे। इस बार मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी खाली थी। चूंकि मुख्यमंत्री शिंदे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार से शिंदे की कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया, लेकिन कुर्सी पर मुख्यमंत्री लिखा स्टिकर लगा हुआ था। नार्वेकर ने अपने बगल की कुर्सी पर रखे स्टिकर को हटा दिया। नार्वेकर द्वारा स्टिकर हटाने के बाद पवार इस कुर्सी पर बैठ गए। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ।